सो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू अभी मन्यू आईएएस नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर ईयर सीसेट प्रिपरेशन और यू कैन से दैट जीएस एग्जाम टू। अब बस फाइनल टाइम बचा आपके पास, कुछ समय बचा, तो इस समय को जैसे आप यूटिलाइज करेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं कब से ये सेशंस लेता हुआ आ रहा हूँ, कब से, बहुत समय से मैं ये सेशंस लेता हुआ आ रहा हूँ और बहुत समय से मैं आपको एक ही बात का बार बार आभास दिला रहा हूँ, बार बार रियलाइज करवा रहा हूँ कि सी सेट वो सी सेट नहीं है। या कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, अगर वो सीरियस नहीं है तो वो एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगा कुछ एक नंबर की वजह से। सपोज करो जितने मार्क्स चाहिए उससे आपका आधा नंबर कम है, तो कितना क्या कहोगे किस्मत ख़राब है। मैं ये नहीं कहूँगा आप ये, मैं ये कहूँगा कि आपकी मेहनत ख़राब थी, आपने मेहनत पूरी नहीं की। समझ आ गई बात? अगर देखो बहुत अच्छा पढ़ने के बाद आप लगातार पढ़ रहे हैं, पेपर ऊपर नीचे आ जाए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट एक आधे नंबर के पीछे अगर हो तो फिर कहना पड़ेगा ना कि मेहनत नहीं की, कि आप भी उन्हीं बच्चों की तरह कर रहे थे जो लास्ट के एक दो महीने में तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि हमारा तो अच्छे से हो जाएगा रिजल्ट, बट ऐसा बहुत मुश्किल है। और कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी सोचता ना कि मैं तो साइंस बैकग्राउंड को, मेरा तो ईजिली हो जाएगा, सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य उसके साथ होगा। दुर्भाग्य क्या, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें जो साइंस बैकग्राउंड से, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो प्लीज़ उस गलती को मत दोहराई जो कितने पिछले साल बहुत से बच्चों ने दोहराई। अभी समय है, जुड़ जाइए, ठीक है। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर इज 9517771651। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। माइक्रो कोर्स तो आपको मिल ही रहे हैं, साइनअप करते ही 500 रुपये वॉलेट में आ रहे हैं, माइक्रो कोर्स लीजिए, क्लियर। 10वां प्रैक्टिस सेशन है हमारा, तो प्लीज़ होपफुली आप इन सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ब्रेक की तरफ, बट उसके पहले इनके बारे में बताना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही जो है जिन्होंने हमें नंबर वन का टैग दिलाया पिछले 25 साल से, समझ रहे हो, 25 प्लस सिलेक्शन से 2023-24 के संस्करण में भी, क्लियर। अयान जैन 16 रैंक, शिवांश राठी 63, प्रशांत 78, जी साई दर्शनी 112, शाश्वत अग्रवाल 121, विनोद कुमार 135, रिया अग्रवाल 141, पौरवी गुप्ता 213, मनीष भारद्वाज 215, रश्मि पंदार 319, सिंधु राघवन 336, प्रियंका प्रियदर्शन 387, गौतम ठाकुर 391, शिवानी गुप्ता 428, आदित्य दोहा 3603, दीपक चौधरी 755, रितु 785, प्रभाकरण वर्मा 803, प्रेम सिंह मीणा 929 और मैरी मोन पॉरिंग 2300 प्लस इलेक्शंस लास्ट 25 ईयर से, इसीलिए नंबर वन है, क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो, अ सेलर मार्क्ड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड द आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट। मतलब उसने क्या किया, कोई आपके पास पैसा दिया हुआ है या कुछ भी कॉस्ट प्राइस है, उसको उसने बढ़ा के लगाया 20% पे, उसके बाद एंड सोल्ड द आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट, और उस आर्टिकल को 10% के डिस्काउंट पे उसने उसको बेचा, ठीक है। और जो भी मार्क प्राइस था 10% का डिस्काउंट आपको पता है मार्क प्राइस में, ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन ही इंक्रीजेस द मार्क प्राइस बाय 25%। जो एक फेस्टिवल सीजन आया उस दौरान उसने क्या किया, जो मार्क प्राइस था उसको 25% बढ़ा दिया, और जो डिस्काउंट पहले 10 था उसको उसने 25 कर दिया। इस केस में बढ़ा के घटाने के बाद भी उसे 180 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो बताना कॉस्ट प्राइस आर्टिकल कितना था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। देखिए, मैंने माना 100 रुपये, मेरे पास 100 रुपये था कॉस्ट प्राइस, शुरू में क्या किया 120 मेरा क्या हो गया एमआरपी हो गया, और इस पर 10% का डिस्काउंट यानी -12, तो वो कितना हो गया 108 हो गया। 120 पे 10% का डिस्काउंट तो 108 हो गया। दूसरे केस में वो क्या कह रहा है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान उसने क्या किया, एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन ही इंक्रीजेस द मार्क प्राइस, इसको 25% बढ़ा दिया, इसका 25% 1/4 यानी +30 कर दो, यानी कितना हो गया 120 +30 कितना हो गया 150 हो गया। मार्क प्राइस बाय 20% ऑफर 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, इसका मतलब बढ़ाने के बाद इस पर 25% का डिस्काउंट दिया, इसका 25% 1/4, इसका 1/4 150/4 75 बाई 2 इज हाउ मच 37.5, तो -37.5 कर दो तो ये कितना रह गया 112.5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले केस में क्या था 108,
दूसरे केस में 112, पहले केस में 108, दूसरे केस में कितना 112, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, 112.5 माइनस 108 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4.5 का, ये 4.5 गानों के कितने का है 180 का, कितने गुना 40 गुना, एक की वैल्यू कितनी है 40, 100 की वैल्यू कितनी होगी 4000, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। तो दीज आर सम स्पेशल क्वेश्चन, सम आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम फॉर यूर अपकमिंग सी सेट 2024, क्लियर। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, क्लियर। कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो जो बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ पर्सन इन्वेस्टेड 25% ऑफ हिज टोटल सम ऑफ मनी अंडर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एंड द रिमेनिंग अमाउंट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट द एंड ऑफ 2 years द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम वाज 3680 लेस देन द कंपाउंड इंटरेस्ट, देन हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्टेड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर कितनी मनी इन्वेस्ट की होगी आपने ये बताना है मुझे, बताइए क्या आंसर है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कितनी मनी इन्वेस्ट की होगी, ट्राई कीजिए, दे रहा हूँ 30 सेकंड आपको, 15-20-30 सेकंड जो भी है। देखो उसने क्या बोला, मैंने बोला 25% है ना, मैंने बोला टोटल मेरे पास 400 रुपये हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो 4 का मल्टीपल है, बिकॉज 4 1/4 और 3/4 यही है। अ पर्सन इन्वेस्टेड 25% ऑफ हिज टोटल सम ऑफ मनी अंडर सिंपल इंटरेस्ट एस 20% पर एनम एंड रिमेनिंग अमाउंट। देखो इसका मतलब ये क्या है, 100 लगाया, ये लगाया सिंपल इंटरेस्ट पे और ये लगाया 300 किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। अच्छा एट द रिमेनिंग अमाउंट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये कितने में लगाया 20% पर एनम और ये किस पे लगाया मैंने 10% पर एनम पे, एक 20% पर एनम पे, एक 10% पर एनम पे। अच्छा एक बात आइए, एट द एंड ऑफ टू ईयर, दो ही साल के बाद, एक साल का 20 तो दो साल का 40% हुआ, यानी 100 का 40% कितना हुआ 40 रुपये हुआ, 100 का 40% 40 हुआ। और अगर मैं 2 साल के लिए 10% की बात करूँ, ये कितना हुआ 21%, यानी कितना हो गया 300 का 21% कितना हुआ 63 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कितने रुपए ज़्यादा हैं, देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं, यहाँ की बात अगर मैं करूँ कितने 63 - 40 = 23, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 23 की वैल्यू कितनी दी मुझे 3680 क्या 160 गुना होगी। तुमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिड ही इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना किया है 300, इसको 160 गुना करो 48,000, ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, बहुत जरूरी है, शेयर जरूर करना है आपने। कोई डाउट हो तो 9517716 इस नंबर पर कॉल करिए, इस नंबर पे प्लीज व्हाट्सएप भी करिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर 15 मीटर इज आएगा, इफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% देन व्हाट विल बी न्यू वैल्यू ऑफ डायगोनल। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, देखो ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, डायगोनल का डायगोनल भी तो यही होता है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया, यानी ये मेरे पास 5 आ गया, मतलब ये 25 का होगा, 25 किसका 5 का स्क्वायर, बेसिकली मैं कहना ही चाह रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं
इस राइट एंगल ट्रायंगल के हर एक नंबर को कि पर्टिकुलर नंबर से सपोज करो, दो से मल्टीप्लाई किया, इसको दो से किया, ये कितना हो गया देखो मेरे पास, तीन दो नीचे चार, दूनी आठ, पाँच दूनी दस आएगा, ये 36, 64, 100 होता है। इसी तरीके से अगर आपने एक दो साइड को बढ़ाया तो तीसरी साइड भी सेम इंक्रीज होगी। कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर आपको ये कुछ भी दिया, ये ए दिया, ये बी दिया, मुझे नहीं पता, और ये 15 है, तो अगर ये 8 से बढ़ रहा है, ये भी 8 से बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ये भी कितना बढ़ेगा, 8 से बढ़ेगा। समझा की बात, ये भी 8 से बढ़ेगा, 15 8 कितना होगा 120, तो 1.2 बढ़ जाएगा, तो जो 15 था वो कितना हो गया, 15 प्लस 1.2 इज हाउ मच, 16.20, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। तो डायरेक्टली कैसे करना है अब आपको समझ आ चुका है, और करना बड़े आसानी से इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट इज, इन द ईयर 2017 25 मेंबर ऑफ अ कंपनी विजिट रेडफोर्ड, 25 मेंबर विजिट ताजमहल, 30 मेंबर विजिट इंडिया गेट, नन ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी विजिटेड बोथ रेडफोर्ड एंड इंडिया गेट, 8 मेंबर विजिटेड बोथ ताजमहल एंड इंडिया गेट, एंड 10 मेंबर विजिटेड बोथ रेडफोर्ड एंड ताजमहल, इन व्हाट ईयर हाउ मेनी ऑफ मेंबर हैड ट्रैवल टू वन ऑफ द थ्री प्लेसेस, बताइए वन ऑफ द थ्री प्लेसेस की है, मतलब एटलीस्ट वन। ये है मेरे पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन, ये है हमारे पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन, ये मेरे पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन। चलिए, इन द ईयर 2017 25 मेंबर ऑफ अ कंपनी विजिट रेडफोर्ट, देखो रेडफोर्ट है, ताजमहल है, एंड इंडिया गेट है, बट ये प्रॉपर आपने एक सीक्वेंस में लेना, हमेशा याद रखना, जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना मुझे उसी सीक्वेंस में से लेना होता है, ठीक है। चलिए, मतलब रेड फोर्ट है सबसे पहले, रेड फोर्ट कितना 25, फिर कितना ताजमहल, क्योंकि सीक्वेंस इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा आसान हो जाता है आपके लिए, 25 ये रेड फोर्ट, 25, अच्छा 25 ही ताजमहल है, और इंडिया गेट, अब देखो हो क्या रहा, नन ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी बो विजिट बोर्ड रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट, रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट मतलब ये जीरो है, बोथ का मतलब तो यही हुआ, ये जीरो है। अच्छा, एट मेंबर विजिट बोथ ताजमहल इंडिया गेट, ताजमहल इंडिया गेट, आठ हो गया, अच्छा कैसे ताजमहल, 30 मेंबर, नन ऑफ द मेंबर विजिट कंपनी विजिट बोथ रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट, रेड फोर्ट इंडिया गेट जीरो, एट मेंबर बोथ, 10 मेंबर विजिट बोथ रेड फोर्ट एंड ताजमहल, रेड फोर्ट ताजमहल 10, ये भी जीरो दिए। इन हाउ मैनी, इन दैट ईयर हाउ मैनी ऑफ मेंबर ट्रेवल्ड रेड फोर्ट ट्रेवल्ड टू ओनली वन ऑफ द, मतलब मुझे ये बताना है और मुझे ये बताना बेसिकली मेरे को, करिए देखो आप ध्यान से देखो, थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, देखो ये कितना है, अगर रेड फोर्ट की बात करूँ ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, तो ये कितना बचा, 15 बचा, 15 बचा कि नहीं बचा, अच्छा ये 25 है, ये 10 आ गए, ये 8 आ गए, तो 7 बचा, क्योंकि टोटल ये 25 आ गए मेरे पास, 10 और 8 आ गया, ये 25, ये 30 है, 30 में से 8 गए तो ये कितना है, 22 आया, तो 22 15 7, 15 प्लस 7 प्लस 22 कितना हो गया, 44, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस नंबर पे मैसेज कर दिया होगा, नंबर इज 9517716551, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, 24 ओपन है, और कोई भी डाउट हो तो सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन्हें भी प्लीज़ ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। चलिए,
द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट टू ईयर इज 3% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर इज 8% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर इज 10% पर एनम। इफ द मैन विदड्रॉ टोटल अमाउंट ऑफ 53208 आफ्टर 6 ईयर्स, फाइंड द सम बी डिपॉजिटेड, फाइंड द सम ही डिपॉजिटेड, कि उसने कितना पैसा डिपॉजिट किया होगा बताइए। फाइंड द सम ही डिपॉजिटेड। देखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट टू ईयर इज 3% पर एनम। देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, 2 साल के लिए 3%, यानी पहले 2 साल के लिए 6% आया टोटल मेरे पास, पहले 2 साल के लिए 6% आया, 3% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल के लिए कितना है मेरे पास 8%, तो क्या 24% आया, बिल्कुल आ गया। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स 10% पर एनम, इफ द मैन विड्रॉ टोटल अमाउंट 5320 आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कितने साल के बाद, 6 साल के बाद, टोटल अभी कितना हो गया, पहले 2 साल, फिर 3 साल, 5 साल, फिर कितना रह गया 1 साल, यानी अगले 1 साल के लिए कितना आ गया मेरे पास 10%, तो ये कितना आ गया 10%, तो टोटल मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, टोटल आ गया मेरे पास 40%, और 40% की वैल्यू कितनी दी है मुझे, विड्रॉ का मतलब क्या हुआ, विड्रॉ मतलब यस, टोटल जो मिला अमाउंट है विड्रॉज, विड्रॉ क्या करोगे आप हमेशा, फाइंड द सम ही डिपॉजिटेड, यानी आपको 140% की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, विड्रॉ टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इन्वेस्टमेंट, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसने कितना किया है 5342, तो 0 से 0 कटा, 14 42 5 32 है, सॉरी 4 नहीं है, इसलिए मैं भी पूरा कट क्यों नहीं रहा, 5320, तो 5 32 डिवाइडेड बाय 14 कितना हो गया, हाँ अगर मैं 7 से काटना चाहूँ, 14 42 1 2 38, तो अगर एक ही 1% की वैल्यू 38 है, तो 3800 आएगा मेरे पास आंसर, चेक कीजिए, लेट मी चेक द आंसर ऑल्सो, चलिए तो ऑप्शन नंबर ई वॉज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस, क्लियर, नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नोट कर लो सो जल्दी से स्टूडेंट्स, चलिए होपफुली नोट कर लिया होगा, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 द एरिया ऑफ सर्कल, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेंसुरेशन थ्रू 2D का, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ, ये 3:1 दिया मुझे, ठीक है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 square centimeter, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, देखो एरिया ऑफ द सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, ये कितना दिया मुझे 616 यानी 22 बटे 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 616 22 11 2 22 11 5 55 11 6 तो 28, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 7 × 4 × 7, तो आर कितना आ गया 7 का स्केयर 2 का स्केयर अंडर द रूट, यानी कितना आ गया आर 14 आ गया, क्लियर, आर मेरा 14 आ गया, बट मुझे क्या बोला है और लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है 3 × 616, और एक चीज़ और दी है, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, लेंथ 14 इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 3 × 616, तो 14 से कटना तो चाहिए, 14 × 56 5 6 14 × 56 44 × 3 132, यानी लेंथ आ गई मेरे पास 14, ब्रेथ आ गई 132, तो पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कितना ये कितना आ गया आपके पास
6, 7, 1, 176, sorry, 1, 132 plus 14, 146. Twice ऑफ 146 is 292 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर, नोट कर लीजिए. इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप देखना था कि रेडियस से लेंथ निकल रही है, वो आ रही है, आ रही है. क्लियर, नोट कीजिए प्लीज़. चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया. नंबर पता क्या है, क्या नंबर? 9517716. क्लियर. चलिए, द रेशो ऑफ मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:4. इफ द कॉस्ट प्राइस वॉज इंक्रीज बाय 20%, देन बाई वट परसेंट शुड अ शॉपकीपर डिक्रीज द मार्क प्राइस इफ ही वॉन्ट टू सेल द आर्टिकल एट नो प्रॉफिट नो लॉस. देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस इसकी कंडीशन क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होना चाहिए आपका सेलिंग प्राइस. ये बात ध्यान रखना, बस जितने का खरीदा उतने का बेच दिया, ये नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है. द रेशो मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:4, यानी एमआरपी टू कॉस्ट प्राइस. एमआरपी कितनी है? 50 है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? मैंने 50-40 मान लिया, स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली एक, मुझे परसेंटेज में दिया तो कोई डाटा मैटर नहीं करता. ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस वॉज इंक्रीज बाय 20%, इसका 20% इंक्रीज कर दो, इसका 4 × 2 = 8 कितना हो गया? 48 हो गया. देन बाई वट परसेंट शुड मार्क कीपर डिक्रीज द मार्क प्राइस. देखो इसका मतलब क्या, अब मुझे ये कॉस्ट प्राइस 48, सेलिंग प्राइस भी कितना चाहिए? 48, यानी 50 से 48 पे यानी कितने का कमी करनी पड़ेगी? 2 की. समझ आ गई बात? मैंने जो शुरू में बताया आपको कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस होना चाहिए, किस केस में? जब आपके पास नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का केस है स्टूडेंट्स. क्लियर, तो 2 का लॉस हो रहा है कितने पे? 50 पे इंटू ऑफ 100%, 25, 4% ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्लियर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है. नोट कीजिए फटाफट, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. कोई डाउट हो तो प्लीज 9517716 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप केयर करके पूछिए. पूछिए सर ये दिक्कत आ रही है मेंटरशिप चीज, इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ये डाउट है मेरा, ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, ये टाइप समझ नहीं आती, समझाएंगे सारा कुछ. चलिए, लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक आज की क्लास का. ए एंड बी आर हायर्ड टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क फॉर 5040. मतलब क्या है कि ए और बी को कितने पैसे मिल रहे हैं? ए प्लस बी को कितने पैसे मिल रहे हैं? 5040 मिल रहे हैं. अलोन ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days एंड 42 days. ए और बी 36 दिन में और 42 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे हैं. दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 12 days ए लेफ्ट द जॉब. उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया बट 12 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया. ए लेफ्ट द जॉब एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी अलोन. इन्हें काम छोड़ा तो बचा हुआ काम किसने किया? बी ने किया. वट वॉज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाई बी? देखो ए कितने में कर रहे हैं? 36 में. बी कितने में कर रहे हैं? 42 में. तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया? 6 × 6 × 7 36 और 42. ठीक है, तो एफिशिएंसी बी कितनी आई मेरे पास? 7. एफिशिएंसी बी कितनी आई? 6. तो टोटल काम कितना हो गया? 36 × 7 = 210. 252 हो गया टोटल काम मेरे पास. 252 यूनिट हो गया काम. ठीक है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 12 days ए लेफ्ट द जॉब. उन्होंने बराबर काम स्टार्ट किया, उन्होंने काम से ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 36, 42. अच्छा, इनके एक दिन का काम कितना हो गया? एक दिन का काम तेरह हो गया. ए एंड बी अलोन वर्क 13 हो गया. 12 दिन का काम कितना हुआ? 12 × 13 कितना हो गया? 156 यूनिट हो गया. 12 × 13 = 156 यूनिट हो गया. तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग वर्क कितना है?
252 माइनस 156, क्या 96 मेरा रिमेनिंग वर्क है? ठीक है, इसका मतलब देखो अगर मैं बात करूं बेसिकली ए ने कितना काम किया, ए ने 7 × 12 84 काम किया। वैसे तो क्वेश्चन यही हो गया बट फिर भी आप कर लो। तो रिमेनिंग 96 काम किसने किया और ये कितना हो गया 12 × 6 = 72, 72 + 96 = 8, क्या 168 काम बी ने किया होगा? सोच के देखो क्या यही हुआ। इसका मतलब टोटल 252 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5040, क्योंकि मुझे अब ये थोड़ी ना बताना रिमेनिंग काम कितने दिन में किया, मुझे मनी बतानी है ना। इसका मतलब ये वाला जो काम है, टोटल जो भी काम था मेरे पास, टोटल मेरे पास कितना काम था, 252 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5040, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5040/252, हमें बेसिकली कितने की वैल्यू निकालनी है, 168 यूनिट की। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, इसको मैं मिटाने लगा हूँ अब। यानी 5040 × 168/252, मुझे ये फाइंड आउट करना है। जल्दी से फाइंड आउट करके बता दीजिए कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से देखो। 4 से काट लो, इससे पहले 4 × 16, 4 × 2 = 8, 63। अच्छा किसे कट रहा है, 7, 9, 7, 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, क्या कट रहा है, 3 सही, बिल्कुल कटेगा। कितना बजे कटेगा देखो, 1680, तो 1680 × 16 = 32, 8 × 2 = 16, 3200 + 160, 3360। ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। सो दैट वॉज टूडेज मास्टर सोक लेक्चर। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। देखो मैं अगर नंबर सिस्टम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पीछे पढ़ा रहूँ ना तो फिर वहीं तक सीखते रह जाएंगे, बट ये क्वेश्चन भी मायने रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पास आने वाले, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, समझ आ गई बात। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में आने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो बी अवेयर ऑफ दैट। आपको बहुत अच्छा करना है, आपको क्वालिफिकेशन से ऊपर जाना है। खाली क्वालिफिकेशन की सोचेंगे तो आसपास मंडराएंगे, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो फिर टोटली आउट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमारे प्राउड अचीवर्स हैं, 25 से ज़्यादा सिलेक्शन हैं इस साल भी हमारे पास, और 2300+ सिलेक्शन हैं लास्ट 25 साल से। अयान जैन, शिवांश राठी, प्रशांत जी, साई दर्शनी, 121 रैंक, 135, 141, 428, ये सारे हमारे इस साल के रैंक होल्डर्स हैं। और देख सकते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे, तो आज ये नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, आप कितना भी आईएएस बन चुके हैं, एक अधिकारी की पोस्ट पे बैठ चुके हैं, बट आप क्या सोच रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ, नंबर आपको दे रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, क्लियर। और कोई डाउट हो तो 9517716 नंबर भेजिए, मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा, चाहे वीडियो सोल्यूशन भेजूँ, चाहे वहीं पर आपको रिप्लाई करूँ, डन। चलिए ये है हमारे पास लिमिटेड बैच, बस एक दो दिन में बंद करने वाले हैं इसको हम। 4 days a week बैच है, टोटल लेक्चर 180 से ज़्यादा हैं, 50 क्वांट के, 25 लॉजिकल के, और 15 इसमें इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, प्रीवियस ईयर के 15 लेक्चर्स हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन 50+ है, लाइव मेंटरशिप के 30+ लेक्चर्स हैं। ये मेरा लाइव कम रिकॉर्डेड बैच है, कहने का मतलब क्या कि अगर आप कोई लेक्चर आपका रह जाए तो आप रिकॉर्डिंग के तौर पर देख सकते हैं। जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं उसमें 4 चीज़ें मिलेंगी हर लेक्चर के साथ। सबसे पहले उस लेक्चर की PDF, जो रिलेटिव क्वेश्चंस की PDF हो, वो आपको मिलेगी। नंबर दो पे क्या मिलेगी, रिसोर्सेज मेरे चैप्टर का, रिसोर्सेज बोलो, वेब नोट्स बोलो, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग, बिकॉज दोनों में ही थ्योरी होती है। नंबर तीन पे क्या मिलने वाला आपको, नंबर तीन पे आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, टेस्ट कोई अगर टॉपिक खत्म हो उसका टेस्ट लगा मिलेगा। नंबर चार पे क्या मिलेगा, प्रैक्टिस शीट, कि प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको, कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेसिकली, और इसके साथ 30 मिनट का एक डाउट सेशन, 30 मिनट का डाउट सेशन मिल रहा है, क्लियर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, प्लीज़ आज ही ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट माइक्रो कोर्सेज, व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज आर दोज कोर्सेज जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। पूरा चैप्टर करना है करिए, पूरा कोर्स नहीं करना लीव इट। कैसे देखो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स आपको दे दूंगा मैं, दिया ही हुआ बल्कि देना क्या है, छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू प्रिपेयर रादर देन व्हाट। चलिए चूज एग्जाम, सिविल सर्विसेज सी सेट, सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज एज कोर्सेज एंड अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज छोटे कोर्सेज, मैथमेटिकल एबिलिटी जैसे नंबर सिस्टम परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिंप्लीफिकेशन, ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आपके एप्टीट्यूड का हाफ पार्ट सिंपल नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं। जैसे नंबर सिस्टम की बात करें, यहाँ पे क्लिक करके आप ट्रेंड चेक कर सकते हैं किस साल में कितने क्वेश्चन आए थे, जैसे 2023 में 18,
22 में 10, 21 में 9, 20 में 15, इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। बट अगर मैं 353 रुपये पे करूँ क्या मिलेगा मुझे, मुझे पूरा नंबर सिस्टम का चैप्टर मिल रहा है 354 रुपीज़ में, ठीक है, जिसमें क्या मिल रहा है, 11 लेक्चर्स मिल रहे हैं, 10 वेब नोट्स मिल रहे हैं, 435 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं, क्लियर। अब 11 लेक्चर्स, इन 11 लेक्चर्स में क्या है, आपके पास पहले 7-8 लेक्चर में थ्योरी है, बाकी 3-4 लेक्चर्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन, वेब नोट्स सेम वही काम करेंगे जो रिसोर्सेज करते हैं, 435 एमसीक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये हर एक चैप्टर के साथ है, हर एक टॉपिक के साथ है, पूरी लॉजिकल रीजनिंग आप ऐसे कर सकते हो और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी। और फर्दर इंफॉर्मेशन और क्वेरी आप प्लीज़ यहाँ पे 10 का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल में व्हाट्सएप कीजिए, सो दैट टीम विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स दैट, क्लियर। और ये हमारे कोर्सेज हैं, चाहे बात करें ये हमारा बैच है, ये क्रैश कोर्स है, ये सब्सक्रिप्शन है, सर की मेंटरशिप की वीडियोस हैं, ठीक है, ये सारे सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। और अगर ये वाले जो यूट्यूब के सारे लेक्चर से देखना चाहें तो वो यहाँ मिलेंगे मुझे, क्लियर। चलिए, ये हमारे पिछले साल की सिलेक्शन थी 22-23 की, स्पर्श 51, अर्ना 56, जतिन 91, दिव्या 105, सृष्टि 138, आमिर 154। सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे लेक्चर्स आपको, सारे के सारे लिंक्स माफ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू, आई एम वेटिंग फॉर ए कॉल एंड मैसेजेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।